सपा के गोरखपुर महाराजगंज से स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के प्रत्याशी रजनीश यादव ने जिला अधिकारी कोर्ट में नामांकन किया, जिसके संबंध में सपा के प्रत्याशी रजनीश यादव ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं का शत प्रतिशत निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधान, VDC, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद की जो भी समस्या है उसके लिए सदन में आवाज उठाऊंगा और आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर भी संघर्ष करूंगा। उन्होंने कहा, मेरा सभी पंचायत साथियों से अपील है कि अपने बीच के साथी को चुने, क्योंकि मैं खुद जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूं। उन्होंने कहा, चुनाव जीतने पर जिले के साथ मंडल का विकास किया जाएगा। इस अवसर पर सपा के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, पूर्व महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम सहित अन्य सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के गोरखपुर महाराजगंज के स्थानीय प्राधिकरण के प्रत्याशी रजनीश यादव ने कहा, चुनाव जीतने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की जो समस्याएं हैं उनसे मैं भली भांति वाकिफ हूं, क्योंकि मैं स्वयं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूं। हमारे सम्मानित ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्यगण, सभासदगण, इनकी जो समस्याएं हैं उससे भली भांति वाकिफ हूं। सदन में इनके निराकरण के लिए पुरजोर आवाज़ उठाऊंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर भी संघर्ष करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि साथी अपने बीच के आदमी को चुनें ताकि उनकी आवाज़
मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक उठ सके। विकास के दृष्टि से क्योंकि वर्षों से राजनीति में हम लोग काम कर रहे हैं और जब जब सूबे में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी और श्रद्धेय अखिलेश यादव जी की सरकारें रही हैं तो जनपद के विकास के लिए, मंडल के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए लगातार हम लोगों ने सुझाव दिए, उन सुझावों पर अमल हुआ है जिससे आज कई मायने में हमारा मंडल, हमारा जनपद गोरखपुर महाराजगंज में तमाम विकास कार्यक्रम हमारी सरकार में हुए थे। तो वो सारी विकास योजनाएं दिमाग में हैं जिससे जनता का हित होगा, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों का हित होगा, वो सारा काम हम लोग करेंगे।